आपको बताते चलें, मथुरा के थाना राया क्षेत्र के गांव मदेर में टैंकर ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर टैंकर ड्राइवर के परिवार में कोहराम मच गया। परिवारिक जन टैंकर मालिक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। टैंकर ड्राइवर राजेश सरस्वती पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट कंपनी आगरा का टैंकर चलाता था। ग्रामीणों ने बताया, मृतक की बॉडी को एम्बुलेंस में रखकर टैंकर मालिक ने गांव भेज दिया। जब हमने टैंकर मालिक से फोन पर बात की, टैंकर मालिक ने बताया मृतक राजेश ड्राइवर को उल्टियां हुई थी, उल्टियों के दौरान उसकी मौत हो गई। इसका हमने पोस्टमार्टम कराकर एम्बुलेंस में रखकर गांव भेज दिया। टैंकर मालिक मदद करने की बात कह रहा था, अभी तक कोई मदद नहीं की, जिसकी सूचना हमने थाना राया पुलिस को दे दी है। भैया, ये जो आपको डेड बॉडी मिली, कहाँ पे मिली? डेड बॉडी एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पर भेजी गई थी। जिस कंपनी में काम करता था, उन कंपनी वालों ने डेड बॉडी को भेजा है यहाँ पर। भैया, आपने कहीं पर सूचना दी? सूचना नहीं, सूचना इन लोगों को रात में मिली थी। करीब इन लोगों को सूचना मिली थी, 36 घंटे हो गए इस बात को। तो जो रात में सूचना मिली थी, इनके फादर और जो भी एक दो लोग परिवार के थे, वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तब तक वहाँ से डेड बॉडी को उन्होंने एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ के लिए रवाना कर दिया था। मालिक को आपने बताया? हाँ, मालिक को बताया। मालिक ने बोला है, साहब ये इसको उल्टियाँ हुई हैं, उल्टियों की वजह से इसकी डेथ हो गई है, और जो मुझसे मदद होगी मैं वो मदद करूँगा। तो उसी के इंतजार में आज तक ये हो रहा है। वो कह रहा है, साहब जो है दाह संस्कार करो, जो भी मदद होगी हम देखेंगे महीने दो महीने बाद। अब वो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब बताते हैं, पोस्टमार्टम इन्होंने कराया है, इन लोगों ने खुद ही वहाँ पर करा लिया है। कैसे कराया है, कैसे कराया है? अब मेरा तो यही है कि डीएम साहब को भी मैंने फ़ोन किया है अभी, और एसएचओ राया को भी फ़ोन किया है, एडीएम प्रशासन को भी मैंने फ़ोन करके बताया है कि इस तरीके की घटना हुई है। और वहाँ अगर पीएम हो गया है तो पीएम यहाँ भी होना चाहिए। एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दोबारा से पोस्टमार्टम अगर हो जाए तो। राया पुलिस को आपने सूचना दी है? हाँ, राया एसएचओ साहब को मैंने कॉल किया है, दो बार मैं फ़ोन कर चुका हूँ। पुलिस आई है या अभी नहीं? अभी पुलिस नहीं आई है, वो कह रहे हैं उनका फोन आया कि मैं भैया अभी पुलिस भेज रहा हूँ, उनका ये फोन आया।